इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सार्वजनिक संपत्ति पर तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक संपत्ति पर हुए किसी भी तरह के निर्माण को अतिक्रमण माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, गली पर निर्माणाधीन मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थानों को भी तत्काल हटाया जाए। हालांकि कृषि योग्य भूमि को भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश के दायरे से बाहर रखा है। न्यायालय ने कहा है कि कृषि भूमि को वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कृषि भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को होता है। किसान उस जमीन का मात्र किराएदार होता है, इसलिए जब तक धारा 143 के तहत अकृषित भूमि की घोषणा नहीं हो जाती, उस पर वक्फ या धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने राजमार्गों, सड़कों, गलियों और रास्तों के यातायात में अवरोध उत्पन्न कर रहे 1 जनवरी 2011 के बाद अतिक्रमण कर बने मंदिर, मस्जिद सहित कोई भी धार्मिक स्थल तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ कहा है कि सड़क पर अतिक्रमण करने का किसी को भी मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।